हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? चार सी नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं दानापुर जंक्शन और यहाँ से हम लोग चलेंगे न्यू जलपाईगुड़ी। जो मेरा ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट, जो मेरा ट्रेन है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन है और हम लोग अब चलेंगे नॉर्थ ईस्ट। और वहाँ का जो सीरीज रहेगा नॉर्थ ईस्ट का रहेगा और काफ़ी वहाँ का दो या तीन राज्य है जो कवर करेंगे हम लोग। और नया साल भी वहीं मनाएंगे और तो हम लोग वहाँ चलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। और अभी जो ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट ट्रेन है जो दानापुर 9:27 पे है और नई जलपाईगुड़ी है जो 8:30 पे है जो पहुँचेगी। तो टोटल जर्नी है यहाँ से 11 घंटा की जर्नी है। और तो देखते हैं, जो ट्रेन है वो 45 मिनट अभी डिले चल रही है, तो देखते हैं कितने बजे यहाँ पे पहुँचेगी। अभी तो 10 बजे है जो यहाँ पे पहुँचाएगी। फ़िलहाल अभी ट्रेन आ रही है तेजस एक्सप्रेस है और राजेंद्र नगर टू नई दिल्ली। इसे हम एक बार सफ़र किए हैं, इसका भी एक वीडियो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और वो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। और फिलहाल अभी ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का वेट करते हैं। राजेंद्र नगर का जो नाइट व्यू है इस तरह का है, काफ़ी खूबसूरत और स्वच्छ पे है, जो रख रखाव है जो काफ़ी ध्यान किया गया है, काफ़ी अच्छा है। और ठंड है जो यहाँ पे, और ठंड है जो काफ़ी ठंड है यहाँ पे, और दो दिन से जो बारिश होने के कारण है जो और काफ़ी ठंड बढ़ गया है। और हवा भी चल रहा है, अभी हवा बंद नहीं हुआ है, इसी कारण है जो और काफ़ी ठंड है। तो आपके भाई ने जो सारे व्यवस्था के साथ है जो चल रहे हैं अभी, और जो बैगेज है आपको दिखा दें, है काफ़ी बड़ा बैग है और काफ़ी ज़्यादा वज़न इसमें हो गया है। इस बार वज़न होने के कारण है कि उसमें ठंड का कपड़ा है जो ज़्यादा हो गया है, और ठंडा कपड़ा, हाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा ठंडे कपड़ा ही है, तो इसे कारण है जो ज़्यादा स्वेटर बोलते हैं जैकेट, 3 जैकेट है और जीन्स वगैरह है, फिर कपड़ा है, तो ठंड ज़्यादा हो गया। और एक बात और बता दें आपको, जो हम टिकट कटाए थे वो ऑनलाइन कटाए थे तो बेटिंग था, और बेटिंग जो चार टिकट हुआ तो बेटिंग ही रह गया। सिंहमित्रा का ये है जो अनाउंसमेंट हो रही है, तो चार टिकट होने के बाद है जो वेटिंग ही रह गया। तो सोचे कि चलो भाई जनरल टिकट कहीं मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आए तो जनरल टिकट भी नहीं मिल रहा है। तो फिर बोला कि आप है जो टीटी से बात कर लेना, ठीक है कोई बात नहीं है, तो वेटिंग से ही चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब कुल मिलाकर ऐसा है, जो ट्रेन है भाई का वो कुल मिलाकर 1.5 घंटा लेट है, और अभी है जो 11:45 हो चुका है, अभी भी 15 मिनट लेट है ट्रेन, 11 बजे यहाँ पे अराइव होगी। और फिर देखते हैं कब वहाँ से, और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, 1.5 घंटा बिताना पड़ा यहाँ पे ठंड में। तो फिर ट्रेन आते हैं तो फिर मिलते हैं, तो फिर ट्रेन आते हैं तो फिर मिलते हैं।
जो अभी है जो न्यू जलपाईगुड़ी है जो उतर गए हैं, और ट्रेन है जो कुल मिलाकर 2 घंटा लेट है, लेट से यहाँ पहुँचा, कोई बात नहीं। और मौसम है जो यहाँ पे पूरे साफ है, ठंड का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन धूप है जो बहुत अच्छा धूप है, तो ठंड उतना नहीं है अभी। और काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है ये, तो पहले चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जंक्शन से बाहर है जो निकल गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप कि किधर मेन रोड किधर है। यहाँ पे सिर्फ टैक्सी है। वीडियो है जो यहीं पे समाप्त करते हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग। आज का जो डेस्टिनेशन है दार्जिलिंग का, वो देखते हैं कितने शाम तक है जो कवर करना पड़ेगा, शाम तक दार्जिलिंग है जब पहुंचना पड़ेगा फिर, और बाय रोड से जाना है यहाँ से। और इस बार प्लान सोचा है हिचाइक का, तो देखते हैं हिचाइक, जो आपको सारा वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।